सो इस वक्त हमारे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। आप इस वक्त इसे देखें तो पूरे के पूरे डाउन ट्रेंड में, अगर हम इसको देखें, अगर गौर से अगर इसको देखा जाए तो इसमें हुआ कुछ भी नहीं है कुछ खास। यानी क्वार्टरली रिजल्ट भी सब ठीक ठाक है, एनुअल रिजल्ट भी सब ठीक ठाक है, इतना कुछ मेजरली कुछ नहीं हुआ, खाली मार्जिन कम हुए हैं और जो है मानता हूँ एनुअल बेसिस पर थोड़ी बहुत रुकावटें आई हैं इसमें। बट अचानक से क्यों गिरा? रिजल्ट तो बहुत पहले अनाउंस हो गए थे, समझना, पर ये अचानक से क्यों गिरा है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर है। बीसी इंडिया इन्वेस्टमेंट्स करके एक कंपनी है, उन्होंने इसके लगभग 50 लाख शेयर्स सेल किए थे, लगभग पुरानी बात है शायद 1 मार्च को, फिर धीरे धीरे करके ये ऑफलोड कर रहे थे। और अभी इनकी जो मुझे लगता है कि जब ये न्यूज बाहर आई कि बहुत बड़ा जो है स्टेक सेल हुआ है, तो तब से जो है ये शेयर जो है गिर रहा है। जब से ये खबर आ रही है कि बीसी इंडिया ने इसे बेचा है, तब से जो है ये शेयर गिर रहा है, जबकि मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वैल्यूएशन तो वही का वही है। अगर मैं इसका आपके सामने अगर मैं बताऊं तो अगर मैं इसका पी समझो तो 44 का पी है इसका, और बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। अभी बुक वैल्यू देखी जाए तो 42 का है, तो पी भी तो बहुत ही अंडर वैल्यूड कह सकते हैं उसे, पीबी के हिसाब से देखा पी 44 है। लेकिन मैं आपको इस डाउन ट्रेंड में भी आपको क्यों बता रहा हूँ इस शेयर के बारे में, क्योंकि इस शेयर का प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा है। ये शेयर कोल, टार, पिच और एडवांस कार्बन मटेरियल का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो कोल, टार, पिच जो है एक प्रोडक्ट होता है, कोल का ही एक फॉर्म होता है। साइंटिफिक चीजें तो ज्यादा टेक्निकल तो पता नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कोल, टार, पिच है एक ऐसी चीज है कि अगर आपको 1000 kg एल्यूमिनियम बनाना है तो आपको 100 kg कोल, टार, पिच की जरूरत पड़ेगी। 10% का इनपुट देना पड़ता है अगर आपको एल्यूमिनियम बनाना है तो। जहां तक बात है ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट ये सब बनाना है अगर आपको, तो आपको जो है 44%, यानी अगर आपको 1000 kg ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाना है तो आपको 440 kg कोल, टार, पिच की जरूरत पड़ेगी। आपको पता ही है ग्रेफाइट के क्या बूम आया है इस साल ग्रेफाइट का। और जहां तक बात आती है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम तो अभी आसमान छू रहा है, कमोडिटी मार्केट तो पूरा बूम में है। दूसरा एडवांस कार्बन मटेरियल। एडवांस कार्बन मटेरियल की आप खूबी सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो बिज में ही है। एडवांस कार्बन मटेरियल सर जी ये है कि लिथियम आयन बैटरी एक जो है आपको ही पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये यूज होने वाली है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आए ना आए ये अनसर्टेनिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले लिथियम आयन बैटरी जरूर लेंगे, ये बहुत पक्की है। चलो आप बोलोगे चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले लिथियम आयन बैटरी के बारे में भी नहीं लेंगे तो लगाएंगे क्या? लिथियम आयन बैटरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप कहेंगे क्या पता वो चीज इंडिया में फिजिबल ही ना हो, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलर्स हैं उनको इंडिया में ज्यादा जो है ड्यू टू इम्पोर्ट ड्यूटीज फलाना के वजह से उनको इंडिया में मार्केट सही नहीं लगे, वो ले ही ना। तो एक बात तो पक्की है कि चलो लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले एडवांस कार्बन मटेरियल तो लेंगे, क्योंकि ये एडवांस कार्बन मटेरियल का जो यूज है वो लिथियम आयन बैटरी बनाने में होता है। लिथियम आयन बैटरी एडवांस कार्बन मटेरियल के बिना बनी नहीं सकती। तो हमें इस वक्त ये नहीं देखना कि क्या अनसर्टेन है, हमें इस वक्त देखना है सर्टेन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई लड़का सीए बने ना बने ये पूरी अनसर्टेनिटी है, लेकिन वो कोचिंग जरूर जाएगा और कोचिंग वाले के रेवेन्यू बढ़ेगा, ये पक्की बात है, समझना। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके ना बिके, इलेक्ट्रिक व्हीकल बने ना बने, लेकिन लिथियम आयन बैटरी वाला तो पूरी उम्मीद में है कि मेरा माल तो बिकने वाला है, और उस उम्मीद वो उसकी वो उम्मीद जो है उसको रॉ मटेरियल लेने भेज देगी, और रॉ मटेरियल उसका क्या है लिथियम आयन बैटरी वाले का? एडवांस कार्बन मटेरियल। सो ये जो गहरी बात है ये मानता हूँ डाउन ट्रेंड में है इस वक्त, डाउन ट्रेंड में लेना इज लाइक मतलब क्या कहते हैं कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ से कहते हैं। सो अभी ऐसा नहीं बोल रहा स्टॉप लॉस नहीं लगाना, स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। 50.9 के भाव पर चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है, धीरे धीरे सपोर्ट ले रहा है, लगभग 47 के भाव पर इसने एक अपना सपोर्ट लिया है। और अगर मैं आपको बात करूं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए तो मुझे लगता है इसका स्टॉप लॉस जो है 42.5 का इसका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए, 42.5 समथिंग का इसका जो है
स्टॉप लॉस बनता है। हाँ, अब बात आती है टारगेट क्या होने चाहिए। तो सर जी टारगेट जो होने चाहिए वो होते हैं 54 का लेवल, 60 का लेवल और 65 का लेवल। 65 मानता हूँ, रिसेंटली गया नहीं है 65, मैं मानता हूँ 60 मान के चलिए इसको। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 42.5 का। 64 का टारगेट, 42 का स्टॉप लॉस, इसमें रनिए। अब बात करते हैं भाई क्यों है, इसके फंडामेंटल्स पे थोड़ी बहुत नजर मार लेते हैं। पीबी तो बहुत समझ लिया है, ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें खास क्या है, हम क्यों इसमें जो है हमें लगाना चाहिए पैसा। तो इस वक्त अभी तो कुछ जो है मैं मानता हूँ कि मेजर की मतलब अभी तो हम सिर्फ ग्रोथ सोच रहे हैं, अभी वो सब चीजें मटेरियलाइज हुई नहीं है। लेकिन इसकी जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़ रही हैं, एक सबसे बड़ा कंसर्न बोरोइंग्स बढ़ रही है। अब बोरोइंग्स के दो पहलू हैं। बोरोइंग्स कोई कॉन्फिडेंट होता है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन को लेकर तो बोरोइंग लेता है, कोई नहीं होता तो वो मतलब बातें नहीं। बोरोइंग्स ही एक लेवरेज, अच्छा बुरा बात बुरी अच्छी की नहीं है, लेवरेज को किस तरीके से लगाया जाए इसके ऊपर है। जब भी कोई लेवरेज लेता है और हमें उसमें ग्रोथ भी दिख रही है, जो ये सेक्टर्स में डील करता है, जो ये प्रोडक्ट्स में डील करता है, हमें खुद को दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट बूम करने वाले हैं एक टाइम में। और अगर ये लेवरेज ले रहा है तो ठीक है, इक्विटी की अपनी एक अलग कॉस्ट है, लेवरेज की एक अपनी अलग अलग कॉस्ट है। बट अगर वो अपनी लेवरेज को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है लेवरेज ज्यादा हो, समझ रहे हैं बात को। तो इस वक्त मुझे जो लगता है कि इसने जो ये डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा देता है अपना, जनरली नेट प्रॉफिट कम होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा देता है, तो एक भी बार कोई भी शेयर होल्डर नाराज नहीं है इससे, शेयर होल्डर का कैश फ्लो बिगड़ा नहीं है एक भी बार। ये अगर प्रॉफिट कम दे रहा है तो डिविडेंड पे आउट बढ़ा देता है, प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है तो डिविडेंड पे आउट कम कर देता है, तो कैश फ्लो पे इतना कुछ, शेयर होल्डर के कैश फ्लो पे इतना बड़ा कुछ जो है असर आया नहीं। अच्छा अगर हम नीचे जाते हैं इसके कैश फ्लो पे नजर डालते हैं तो भाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, ये बात माननी पड़ेगी आपको, और ठीक ठाक है। बट मैं ये इसलिए आपको मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये कंपनी ग्रोथ है, ये फॉलिंग नाइफ है, इसमें आप SIP की भी जो है हिम्मत कर सकते हैं, पर ये एक फॉलिंग नाइफ है। ये मैं जो ट्रेडिशनली जो स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स बताता हूँ वो नहीं है, ये उनमें से जो अच्छा बन सकता है, समझना। और ये जो गिरा है वो प्योरली उससे गिरा है, भाई किसी फंड ने इसको बेच दिया, इस किसी इन्वेस्टमेंट फर्म ने इसे बेच दिया है प्योरली उससे, वरना 56 पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन बाद में जो खबरें आई हैं लगातार उससे उसने सबको पैनिक किया। तो मुझे लगता है 42.5 का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 का टारगेट लगाइए और बैठ जाइए यार, इसमें ट्रेड लीजिए यार।